सो हेलो माई डियर फ्रेंड्स आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी गुड और आज हम काफ़ी बड़ा न्यूज़ आपके लिए लेके आए हैं और काफ़ी जॉब से रिलेटेड है आज काफ़ी बड़ी न्यूज है प्लीज़ वीडियो के लास्ट तक रहेंगे और सबसे पहले मैं अपने बारे में बता दूँ लॉट्स ऑफ वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड ऑन दिस चैनल आई एम नवनीत मिश्रा आई एम करेंटली परसुइंग माई पी एच डी फ्राम एच सी यू ठीक है पी एच डी इन इकोनॉमिक्स आई हैव गिवेन टू टाइम्स आई ई एस यू पी एस सी इंटरव्यू एंड आई हैव क्लियर टू टाइम्स यू जी सी नेट जी आर एफ ठीक है करेंटली आई एम एस आर एफ होल्डर ओके सो देट्स ऑल लॉट्स ऑफ वीडियोज ऑलरेडी देयर अबाउट मी एंड माई कोर्सेज प्लीज़ वॉच माई लेक्चर्स तो आज हम बेसिकली बात करेंगे नवीनॉमिक्स में उड़ीसा एस एस बी लेक्चर का ठीक है उड़ीसा में एक एग्जाम होती है एस एस बी लेक्चर का और इकोनॉमिक्स का था काफ़ी अच्छा पोस्ट है तो मुझे लगा आई शुड शेयर एंड कोर्स डिटेल्स एंड अदर थिंग विल बी देयर ऑन द एप इट से आर रनिंग देयर यू डोंट नीड टू वरी योर्स डिटेल्स एंड एवरी थिंग इवेंट प्लीज़ वॉच फ्यू फ्री डेमोलेक्चर्स लिंक दिस गीवेंट मिलो इफ यू लाइक यू कैन जॉइन देर यू हैव टू जस्ट डाउनलोड नवीनोमिक्स एप और यू कैन जस्ट गो टू द डब्लू डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट नवीनॉमिक्स डॉट इन और यू कैन जस्ट डायरेक्टली कॉल अस विदाउट एनी सेकंड थॉट विदाउट एनी थिंकिंग आप डायरेक्ट हमें कॉल करें और सब कुछ है ही जवा ओके सो यू नीड नॉट टू वरी यू कैन जस्ट वाट्सएप यर इवन यू कैन वाट्सएप और कॉल ऑन द सेम नंबर चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं बेसिकली <coughs> हम इसमें तीन चीज़ देखेंगे एक तो नंबर ऑफ़ सीट्स क्या है उसके बाद एलिजिबिलिटी देखेंगे ठीक है एलिजिबिलिटी देखेंगे फिर उसके बाद हम सिलेबस भी इसका देख लेंगे क्या सिलेबस है और फिर हम थोड़ा सा इसका सैलरी देख लेंगे अभी कितना सैलरी मिलता है और इन कमिंग डेज आई विल बी ऑल्सो टेकिंग फ्यू ऑफ द एस एस बी लेक्चर का इंटरव्यू सो दैट यू कुड गेट बेटर अंडरस्टैंडिंग तो यह उड़ीसा गवर्नमेंट का है भुवनेश्वर सबसे पहले आपको यह या याद रखना है कि आपका लास्ट डेट जो है एप्लीकेशन का वह नाइनटीन ऑफ अप्रैल है तो अभी एप्लीकेशन रनिंग है यू कैन अप्लाई बीस से उन्नीस तक है यह पी टेलीग्राम लिंक में मैं भेज दूंगा नीचे टेलीग्राम लिंक होगा ठीक है टेलीग्राम लिंक दिया होगा ऑफिशियल टेलीग्राम नियरली थ्री पॉइंट फाइव थाउजेंड पीपल हैव ऑलरेडी ज्वाइन यू कैन ज्वाइन देयर एंड यू कैन गेट दिस पी तो से पी डी दैट पी यू विल गेट देयर ठीक है चलिए तो यहाँ पे सबसे ऊपर आपको सैलरी दिखा तो चलिए सैलरी ही आपको मैं पहले बता दूँ नियरली फाइव फोर्टी फाइव थाउजेंड और डी अभी जो करेंट मिल रहा है नियरली सिक्सटी फोर थाउजेंड पर मंथ आपको मिलता है नियरली ठीक है सो सिक्सटी फाइव थाउजेंड स्टेइंग इन उड़ीसा इज़ गुड आई मीन नियरली फिफ्टी प्लस थाउजेंड का आपका सेविंग आराम से हो जाएगा मंथली दैट इज़ वेरी गुड आगे बात करते हैं तो नाइनटीन हो गया आपका यहाँ पर अप्लाई करने का आफ्टर दैट वी विल सी द वैकेंसी ऑफ पोस्ट तो अपना इकोनॉमिक्स में जो है इकोनॉमिक्स में टोटल फिफ्टी सिक्स सीट्स आर देयर इन विच वीमेन के लिए एटीन है दैट मीन्स कि टोटल नंबर ऑफ सीट्स जितना भी है आ, उसका हर पार्ट में हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है वीमेन का जैसे एस टी के लिए तेरह सीट है उसमें फोर सीट है वीमेन का फिर नौ सीट में एस सी में तीन सीट इसका जिसमें इसमें जनरल में अट्ठाईस में से नौ सीट वीमेन का तो वीमेन हैज़ द ग्रेट अपॉर्चुनिटी प्लीज डोंट मिस इट अब हम आगे बात करते हैं एलिजिबिलिटी और ब्रेकअप का कितना मार्क्स का क्या होगा एज एज लिमिट है फोर्टी टू आप ये पी पढ़ लेंगे एक बार एंड आफ्टर रीडिंग पी डी एफ इफ़ यू हैन इट आउट डू आस्क ठीक है तो आपका रिटर्न जो होगा वन वन फिफ्टी मार्क्स का है करियर असेसमेंट ट्वेंटी फाइव मार्क्स का है और ट्वेंटी फाइव मार्क्स का इंटरव्यू है ठीक है मैक्सिमम आपको करियर असेसमेंट में ट्वेंटी फाइव मार्क्स मिलेगा अगर आपका पीएचडी है तो बाकी चीज़ें नहीं देखा जाएगा सिर्फ आपके पीएचडी के बेसिस पे ट्वेंटी फाइव मार्क्स मिलेगा और अगर आपका यूजीसी नेट है जेआरएफ है एम है तो आपको टेन मार्क्स मिलेगा और एक मैं इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूँ इसके लिए नेट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट जस्ट मिनिमम क्वालिफिकेशन इज पी इकोनॉमिक्स इन एनी सर स्ट्रीम जस्ट पी इकोनॉमिक्स नेट इज़ नॉट नीडेड नेट जरूरी नहीं है यू नेट इज़ नॉट कंपल्सरी ओके बाकी चीज़ आप यहाँ पढ़ लेंगे यह मोड ऑफ एग्जामिनेशन होगा जो कि एग्ज़ाम शायद आपका ऑफलाइन ही होता है ओ एम आर सीट है यहाँ पर लिखा हुआ है तो वन फिफ्टी मार्क्स का होगा हंड्रेड क्वेश्चन होगा एवरी क्वेश्चन वन पॉइंट फाइव मार्क्स का होगा ठीक है यहाँ पर जीरो पॉइंट फाइव मार्क्स निगेटिव भी है तो यू हैव टू बी वेरी मच केयरफुल और यहाँ पर मिनिम मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है मीन्स मिनिमम आपको फोर्टी परसेंट लाना ही है और थर्टी परसेंट एस टी एस सी एस सी बी सी पी डब्ल्यू डी कैंडिडेट को लाना है ठीक है फिर आप एग्जाम सेंटर की बात कर लेते हैं तो ई डीज आर फोर फाइव फेमस एग्जाम सेंटर है बालसोर है बहरामपुर है जो कि आंध्रा बॉर्डर पे पड़ता है भुवनेश्वर है बलंगीर है कटक है जयपुर है और संबलपुर जो नहीं है सेंटर है एप्लीकेशन फ़ी देख लेते हैं एप्लीकेशन फ़ी आपका पाँच सौ रुपये एंड फॉर अदर कैटेगरी जस्ट टू हंड्रेड रुपीज़ है ठीक रुपीज, है द अमाउंट सेल भी सबमिटेड यहाँ पर ऑनलाइन आपको पे मिल जाएगा उड़ीसा गवर्नमेंट के साइट पर जाइएगा वहाँ पर मिल जाएगा फिर है उसके बाद प्रोसीजर ऑफ एप्लीकेशन हाँ अदर एलिजिबिलिटी वही इंडियन सिटीजन होना चाहिए आपको उड़िया आना चाहिए क्योंकि अगर आपको एट्थ या टेंथ क्लास में उड़िया नहीं है तो उसके लिए आप एलिजिबल नहीं हैं बहुत सारी चीज़ें पास्ड उड़िया लैंग्वेज मस्ट बी इन द फाइनल एग्जामिनेशन ऑफ सेवन और एव कोई भी डाउट हो आप कमेंट में जल्दी पूछेंगे एनी प्रकार किसी प्रकार का डाउट हो और यह जॉब प्लीज़ मैं आपको प्लीज़ बता रहा हूँ जॉन डोंट लीव दिस अपॉर्चुनिटी नियरली सिक्सटी फाइव थाउजेंड पर मंथ दैट्स द बिगेस्ट आई थिंक उड़ीसा टेक इन टीचिंग जॉब बिलो पीएचडी लेवल एंड मोर देन फिफ्टी परसेंट ऑफ स्टूडेंट्स जो पी जी इकोनॉमिक्स पास करते हैं वही इसमें जाते हैं आई एम टेलिंग यू बिकॉज एम सी क्यू एग्जाम है पी एच डी वालों के लिए यह टफ़ हो जाता है एग्जामिनेशन बिकॉज बहुत दिन से उनका पढ़ाई छूट जाता है जो पी जी में है पी जी पास किए हैं या पी एच डी रनिंग है सेकेंड थर्ड ईयर उनके लिए एग्जाम रिलेटिवली रिलेटिवलीजीयर है चलिए अब यही सब बात हो गई किसी प्रकार का डाउट है तो यू कैन डेफिनेटली आस्क कॉमेंट करें नीचे मैं कोशिश करूँगा जवाब देने का यहाँ पे अप्लाई आपको यहाँ से करना है डब्ल्यू 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 डॉट एस एस बी उड़ीसा डॉट ए सी डॉट इन ठीक है और कोर्स अभी चल रहे हैं अब कोर्स के बाद में सिलेबस के जिक्र करूँ यह सिलेबस आपका रिफॉर्म हुआ है टू थाउजेंड ट्वेंटी वन में और ट्वेंटी फोर में भी यही सिलेबस है तो पहला यूनिट है माइक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स जो जो यू जी सी नेट का सिलेबस है ऑलमोस्ट नाइन्टी परसेंट सिलेबस वही है तो माइक्रो में आपका कंज्यूमर थ्योरी प्रोडक्शन थ्योरी मार्केट है फिर डिस्ट्रीब्यूशन है गेम थ्योरी का बेसिक है बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वन लाइनर टाइप से आ, एक, एक आध स्मॉल न्यूम्रिकास मल्टीप्लायर वगैरह से आ जाते हैं आई से फिर मैक्रो है मनी एंड बैंकिंग है उसके बाद पब्लिक इकोनॉमिक्स और इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में इसमें भी अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैक्सिमम सिलेबस वही है आपका और यहाँ जितना भी सिलेबस में लिखा गया है ना एक एक वन वन पॉइंट आई विल बी कवरिंग इन माय कोर्स एंड हियर कोर्स डिटेल्स गिवन ठीक है कोर्स डिटेल्स गिवन सिलेबस में जो भी लिखा हुआ है एक एक लाइन एक एक वर्ड एक एक वर्ड का सिलेबस में आपको क्लास में नोट्स करवाया जाएगा क्लास नोट्स भी आपको लिखवाया जाएगा क्लास नोट्स मैं पीडीएफ में दूंगा और नियरली सेवेंटी प्लस टेस्ट्स भी है एमसीक्यू टेस्ट टेस्ट का ईजी रहेगा और उसके अलावा एक एक चीज़ का क्लास में आप है क्लास फ्री में नियरली फिफ्टीन टू ट्वेंटी फ्री डेमो क्लास है फर्स्ट यू वॉज द डेमो क्लास देन यू ज्वाइन द क्लास और आपका सिलेबस वन मंथ बिफोर एग्जामिनेशन खत्म हो जाएगा आपका एग्जामिनेशन शायद जुलाई लास्ट तक होगा जुलाई लास्ट या मिड ऑफ अगस्त क्योंकि जून तक तो इलेक्शन का ही समय है 24 में जून एंड तक आपका 101 परसेंट सिलेबस होगा विथ रिवीजन सो यू नीड नॉट टू वरी यू कैन आस्क अस एनी डाउट इस नंबर पे कॉल करेंगे मैसेज करेंगे या फिर एनी टाइम यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन द इंस्टाग्राम एज वेल और इसी के साथ साथ मैं बता दूँ आप मोस्ट ऑफ यू वुड बी राइटिंग पी टीचर के लिए ऑल्सो पी जी टीचर का भी हमारा कोर्स चल रहा है वहाँ पर नियरली वन सीट है इसमें तो फिफ्टी सीट था उसमें वन फोर्टी वन सीट है और उसके लिए जो इकोनॉमिक्स का है खासकर उसके लिए बी एड है ठीक है जो बी एड कर चुके हैं पी जी टी कोर्स आप नवीनॉमिक्स ऐप पर जा सकते हैं एन वी आई नवी एन ओ एम आई सी एस नवीनॉमिक्स यहाँ पर आप देख सकते हैं यही है नवीनॉमिक्स ऐप ऐसा लोगों मिलेगा आपको ठीक है तो चलिए किसी प्रकार का अगर डाउट है तो डेफिनेटली आस करेंगे और जो भी सिलेबस में लिखा हुआ है आपको क्वांटिटेटिव मेथड में मेनली जो है मैथ्स का रहेगा कुछ पोर्शन ऑप्टिमाइजेशन मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स है यह कंप्लीट मैथ्स नहीं है और यहाँ पर रहेगा आपका स्टेटिस्टिक्स है इकोनॉमेटिक्स नहीं है इकोनॉमेट्रिक्स का बेसिक चीज़ें हैं कुछ कोरिलेशन रिग्रेशन वगैरह इकोनॉमेटिक्स ज़्यादा नहीं है ठीक है तो आई विश यू गुड लक और रिगार्डिंग बुक एंड ऑल यह सारा चीज़ है जब मैं बुक की बात करूँ तो एच एल एहूजा करके बुक आती है माइक्रो है और मैक्रो है ठीक है उसके बाद हल आर वेरियन आप पढ़ लेंगे हल आर वेरियन की बुक है कौशानिस की बुक है पिंडी कैंडुबेन फील्ड है फिर पब्लिक इकोनॉमिक्स के लिए आप बात करें तो आर के लेखी पढ़ लेंगे इंडियन इकोनॉमी में रमेश सिंह पढ़ लेंगे ठीक है ये सब इंपॉर्टेंट बुक है बट इफ़ यू ज्वाइन आवर क्लास आई कैन गैरेंट टू यू डोंट हैव टू रीड एनी काइंड ऑफ बुक सारे बुक्स के क्रक्स क्लास में करवाए जाएंगे इसका मैं लेक्चर कंप्लीट करवाऊँगा आपको अगर आपको जस्टिफिकेशन चाहिए तो अपने लोग सब देख सकते हैं नीचे ट्वेंटी फ्री टेमू लेक्चर है ट्वेंटी प्लस नीचे लिंक दिया होगा यू वॉच दोज लेक्चर्स ठीक है एंड इफ यू आर रियली इंटरेस्टेड इफ़ यू थिंक नहीं सर अच्छा पढ़ा रहे हैं देन ओनली यू कैन ज्वाइन द कोर्स चलिए कोर्स भी काफ़ी कम है अभी मिनिमम चल रहा है नियरली ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फाइव हंड्रेड के आसपास कोर्स फी है कुछ कूपन भी चल रहे होंगे यू कैन ज्वाइन देट और डिस्काउंट लगा लेंगे कुछ कूपन होगा शायद नवी नवीनॉमिक्स या इकोनॉमिक्स करके इकोनो मिक्स हंड्रेड करके कुछ कूपन कोड होगा वो आप अप्लाई करेंगे तो यू विल गेट इंस्टेंट डिस्काउंट फॉर फर्स्ट फिफ्टी स्टूडेंट और वीडियो को शेयर करें अधिक से अधिक अभी हम नेक्स्ट वीडियो में दो चीज़ों पे बात करेंगे एक तो मैं एसएसबी का इंटरव्यू लूँगा जो लास्ट बैच में सेलेक्ट हुए हैं और थोड़ा मैं कट ऑफ़ की बात कर लूँगा कि कट ऑफ को कैसे क्रॉस किया जाए क्योंकि इंटरव्यू में मैं आपको मैं मदद करवाऊँगा मैं लॉट्स ऑफ इंटरव्यू लेते रहता हूँ आई का आर का समटाइम्स पी एच इंटरव्यू तो आई हैव वेरी गुड एक्सपीरियंस और मैं कट ऑफ और एस इंटरव्यू जरूर करवाऊँगा विद इन वन टू टू वीक उससे पहले आप लोग जल्दी से सिलेबस कवर कर लेंगे और जल्दी से आप इसको गोल्डन अपॉर्चुनिटी लें ठीक है और रही बात उड़ीसा इकोनॉमिक से भी क्वेश्चन आते जाते हैं जैसे देखिए ये सब सब मैं करवाऊँगा आपको एक भी चीज़ नहीं छूटेगी यू विल बी रियली लाइकिंग कि सर आपने बहुत अच्छा कराया है दैट्स माई गारंटी ठीक है उड़ीसा इकोनॉमी पे भी हम दो तीन क्लास लेंगे बजट वगैरह है डेमोग्राफी है किसका कितना सेक्स रेशियो है किसका कितना टी एफ आर है कहाँ पे एग्रीकल्चर किस एरिया में ज़्यादा है सब होंगे आपको ठीक है वो एग्ज़ाम के हम एंड में करेंगे और लास्ट में हम जो है पी वाई क्यू भी करेंगे और कुछ मॉक टेस्ट भी कर लेंगे एग्ज़ाम के फ्यू वीक्स से को ठीक है चलिए गाइज गुड लक आई होप कि आपको यह डिटेल पता चल गया होगा इसको अपॉर्चुनिटी को मिस ना करें कोई डाउट अगर रह गया होगा कमेंट करेंगे और जल्दी से जल्द कोर्स ज्वाइन कर लेंगे ताकि लेट ना करें काफी कम समय बचे हैं दो से तीन मंथ बचे हुए हैं एग्जाम आपका पक्का जुलाई अगस्त में हो जाएगा ठीक है फॉर श्योर चलिए थैंक यू सो मच विश यू द बेस्ट होप टू सी इन द क्लास स्क्रीन ले लेंगे यह रहा सारा कोर्स डिटेल्स चलो गाइज बाय बाय गुड लक प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब और रेगुलर मैं इसी चैनल पे अपडेट्स देता रहूँगा और कुछ कुछ फ्री एम वीडियोस वगैरह भी आते रहेंगे रिलेटेड टू तो योर एस सिलेबस एंड नेट जे आर ठीक है चलिए होप टू तो सी यू इन द क्लास लाइव क्लासेस चल रहे हैं अगर आप लाइव क्लासेस मिस करते हैं तो आपको रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाएगा उसी लाइव क्लास का और आप कई बार देख सकते हैं वो लेक्चर नो नीड टू टूअर चलो गाइस बाय बाय टेक केयर विश यू द बेस्ट और नीचे टेलीग्राम लिंक है उसको जरूर से जरूर ज्वाइन कर लें वहाँ भी अपडेट आपको मिलेगा Take sure. hope to see you in the next video, guys.